वर्षीय पहलवान सागर धनगढ़ मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं ओलंपियन पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार। सुशील कुमार को बीते कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने लगातार सुशील कुमार से पूछताछ की और उनके बयानों को क्रॉस चेक भी किया। हाल ही में सुशील कुमार को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस पहुंच गई है सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार। जी हां दोस्तों, बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को लेकर हाल ही में दिल्ली पुलिस हरिद्वार पहुंची है। खबरों के मुताबिक सामने आया है कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वहीं उनका मोबाइल अब तक नहीं मिला है और इसी वजह से पुलिस को संदेह है कि सुशील का फोन भी हरिद्वार में ही है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सागर निधन मामले में फंसे सुशील कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस ने ये अहम फैसला क्यों लिया है। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनगढ़ का निधन हो गया और इससे पहले इस मामले में कोर्ट ने सुशील कुमार और अजय कुमार सहरावत की पुलिस हिरासत शनिवार को 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। वहीं सुशील कुमार और उनके साथियों ने पहलवान सागर धनगढ़ और उनके 2 मित्रों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में कथित तौर पर मारपीट की थी। वहीं सागर का उसी दौरान निधन हो गया और अब पुलिस को संदेह है कि वही आरोप ये है कि सागर धनगढ़ की पिटाई के बाद सुशील कुमार सीधे हरिद्वार पहुंच गए थे। उन्होंने हरिद्वार में शरण ली थी और इसी वजह से दिल्ली पुलिस पहुंच गई है हरिद्वार सुशील कुमार को लेकर। और इस बीच देखा जाए तो कई रात से पर्दा भी हट सकता है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।